बारे में हमें सूचना दीजिए, हम उसको समय रहते उसके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। ये हम लोग का वादा है। आज पूरी फोर्स आपके साथ खड़ी है। आज से लेकर मतदान की तिथि तक या उसके बाद भी कहीं भी किसी तरह की अगर आशंका आपको है, कोई परेशानी अगर पैदा करने की बात आती है सामने, तो आप जरूर बताइए। हम बहुत ही जबरदस्त कठोर कार्रवाई करेंगे। वो कभी सोच नहीं सकते हैं कि ऐसी कार्रवाई होगी। और हमारी फोर्स लगातार इस क्षेत्र में आपके साथ है। हमारे लोग सभी लोग कितना ध्यान दीजिए, जैसा कि 10 फरवरी को नोएडा में इलेक्शन होने हैं, उसके मद्देनजर कमिश्नरेट की तरफ से सभी जगह पे एरिया डोमिनेशन की कार्रवाई की जा रही है। आज हम सब यहाँ सेक्टर 11-12 में एरिया डोमिनेशन की कार्रवाई कर रहे हैं। साथ में हमारे बीएसएफ की भी टीम है, उसकी पूरी टुकड़ी हमारे साथ में है। आप सबको अवगत कराना है कि कोई भी व्यक्ति अगर आपको डराता धमकाता है या आपको वोटिंग से रोकता है, तो आप तत्काल उसकी सूचना हमें दीजिए, हम पुलिस वालों को दीजिए, तत्काल उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। 10 फरवरी को इलेक्शन का डेट है, सब लोग अधिक से अधिक संख्या में पहुंचिए और अपना मतदान करिए। कोई भी व्यक्ति कुछ भी हो, अगर कोई भी व्यक्ति किसी को भी परेशान करता है, तो आप तत्काल सूचित करें, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जो भी आज ट्रबल मेकर हैं, हमारे हिस्ट्री शीटर हैं, उनके घरों पे भी हम सब जा रहे हैं, वहाँ पे रेड कार्ड लगाए जा रहे हैं। तो आपको एकदम निर्भीक होकर स्वतंत्र रूप से अपना इलेक्शन करना है और पूरा नोएडा कमिश्नरेट आपके साथ है। थैंक यू। ये जो आगामी विधानसभा चुनाव है, उसकी तैयारी हो रही है और उसकी तैयारी के क्रम में आज एरिया डोमिनेशन का एक कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें हमारे बीएसएफ के साथ ही एक पूरी कंपनी हमारे साथ है और हम लोग सभी वैसे सेंसिटिव बूथ और वल्नरेबल पॉकेट्स वाले एरिया में, प्लस क्रिटिकल जो बूथ हमारे हैं, उन सभी एरिया में हम लोग लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं। इस एरिया में जितने बैड एलिमेंट्स हैं, उन लोगों के बारे में वेयर अबाउट्स पता कर रहे हैं और यहाँ पे निष्पक्ष और निर्विघ्न चुनाव संपन्न हो, इसके लिए लोगों में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग कर रहे हैं, लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं।